साथ की रुआई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में दर्द की रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का मैं करता हूँ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज आप सभी को मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ से निकलता हूँ और कहाँ तक जाता हूँ। तो दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वीडियो तो चलता रहेगा, पहले आप सभी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। वीडियो देखिएगा बाद में, लेकिन अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि भाई का आज का दिन जो है ना वो शुभ शुभ बीते। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आनंद लीजिएगा। कहाँ से मैं निकलता हूँ, कहाँ तक जाता हूँ, आज मैं दिखाने वाला हूँ उसका दृश्य। आवाज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा मैं, आधी अधूरे रास्ता का दृश्य दिखाऊंगा। जहाँ तक मैं ब्लॉग बना पाया हूँ वहाँ तक का दृश्य दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आनंद लीजिएगा, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा ना, कोई ज़रूरी नहीं है। चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई जरूरी नहीं है। वीडियो में बने रहिए, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिएगा। यही आशा और उम्मीद के साथ में लेकर के हाजिर हो चुका है आपका भाई ये छोटा सा ब्लॉग। ये है मेरे रास्ते का ब्लॉग। यहाँ से जब मैं निकलता हूँ ऑटो लेता हूँ, ऑटो का सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें खुल रही हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये सारी आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि ये दुर्गापुर से सहाद्रा का रोड है, लोरी रोड जिसको बोलते हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर रोड इसको बोला जाता है, सोफुटा रोड भी बोला जाता है, दुर्गापुरी रोड भी बोला जाता है। इस रोड का नाम कई नाम है। यहाँ पर ये फर्नीचर की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। इस रोड पर हमारे जो है ना लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है, फर्नीचर का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं बैठ चुका हूँ ऑटो पर, ऑटो में बैठ करके मैं निकल लिया हूँ ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए। आज का दिन कैसे बीतेगा मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। बाबा भोलेनाथ की कृपा, गणेश जी की कृपा, उम्मीद करता हूँ बनी रहेगी और दिन अच्छा बीतेगा। माता रानी की कृपा से दिन अच्छा बीतने वाला है। और मैं दिखाऊंगा यही तो मंदिर पड़ता है जहाँ पर उस दिन मैंने आप सभी को वीडियो बना कर यहाँ का पूजा था सभी। ये मंदिर, ये मंदिर जा रहा है, ये हनुमान मंदिर, छोटा सा हनुमान मंदिर है रोड के ऊपर, हनुमान मंदिर साइड में। और बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत अच्छी, इसके अंदर का मैं आप सभी को वीडियो बना करके दिखाऊंगा। परेशान मत होइएगा, किसी दिन वक्त मिला तो इसके अंदर का वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए चाचा को, चाचा स्कूटी लेकर ना खुड़ जा रहे हैं। बताओ ये इधर ही कपा कर रहे हैं, ना हेलमेट लगाते हैं ना हेलमेट लगाते हैं। ये लगा लिया टोपी और निकल लिए, पता है टोपी के लगाने से क्या ज़िंदगी बच सकती है। आप सभी से मैं छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। इस वीडियो को क्यों बनाया हूँ और भी दृश्य दिखाऊंगा बताऊंगा कि इस भीड़ भरी ज़िंदगी में लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग जो है करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए। एक ज़िंदगी कितनी बहुमूल्य होती है आप सभी को पता है, एक ज़िंदगी कितनी कीमती होती है आप सभी को पता है। किसी दिन एक छोटी सी गलती हम सभी को लूट उठती है। एक एक्सीडेंट में होता है कि फला बंदा एक्सपायर कर गया, क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। सबसे खतरा ज़्यादा होता है सिर का। यहाँ पर ये हेलमेट जो है ना बहुत काम करता है, सिर को बचाने का काम करता है, हमारी ज़िंदगी को बचाने का काम करता है। लोग 1 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन एक 800 रुपये का ओरिजिनल हेलमेट नहीं लेते हैं। हेलमेट ले भी लिया तो हाथ में टांग करके या गाड़ी के साइड में टांग करते हैं। यहाँ पर ये बना हुआ है कूड़ा घर, भाई साहब की गाड़ी का पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, कूड़ा घर से आगे निकलते हैं तो मैं पहुँचने वाला हूँ धीरे धीरे करके मेन रोड पर, ठीक है ना। मेन रोड से कट मारेंगे फिर आप सभी को दिखाएंगे। लेकिन आप सभी जितने लोग मेरे भाई मेरी बहन गाड़ी को चलाते हैं उनसे मेरी सभी से अपील है कि आप हेलमेट जरूर लगाइए, हेलमेट लगा कर रखिए, सिर्फ चलान के डर से मत लगाइए। एक अच्छा सा हेलमेट लीजिए, ओरिजिनल हेलमेट लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। आपके पीछे कितने लोग आपके आस में बैठे रहते हैं, मेरे भैया आएंगे, मेरे पापा आएंगे, मेरे चाचा आएंगे, घर पर कुछ लाएंगे,
बीवी बच्चों की माँ बाप की आप सभी के ऊपर उम्मीद, नवयुवक के ऊपर उम्मीद बनी रहती है कि मेरा बेटा गया है वर्क करने, मेरा बेटा गया है जॉब पर, मेरा बेटा गया है मॉर्गेज। एक माताओं के दर्द को आप सभी समझिए। मेरे भाई मेरे बहन जितने भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं, ये छोटा सा हनुमान मंदिर है, इनका भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर ला करके ऑटो लगा दिया, इसलिए दृश्य इनका नहीं दिखेगा। तो आप सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। वैसे भी आजकल जो घटनाएँ घट रही हैं बहुत ही दुखद घटना है। कल मेरे यहाँ मेरे एक भाई की बुआ का लड़का था, उसका साला था, एक ही साला था, अभी अप्रैल में उसकी गोद भराई हुई थी और इसी 2 महीने के अंदर उसकी शादी होने वाली थी। सारी रस्में पूरी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका था, कुछ भी नहीं सिर्फ शादी बाकी थी। लेकिन कल क्या होता है, अचानक हार्ट अटैक आता है और एक्सपायर कर जाता है। महज 25 साल का लड़का, एक लड़का है और एक मेरी भाभी थी, समझ लीजिए एक भाभी और एक उनका भाई था, मतलब भाई बहन दो थे, बाकी भी कोई नहीं था, माता पिता और भाई बहन। बहन की शादी हो चुकी, भाई की शादी की नौबत जब आई, समय आया, खुशी का दिन आया, घर बनवाया, द्वार बनवाया, गाड़ी बनलाया, घोड़ा लाया, अभी जल्द में ही 16 लाख रुपए की 4-व्हीलर गाड़ी निकाले। संयोग देखिए अचानक सीने में दर्द होता है, बाएं हाथ में दर्द होता है और जाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ, वही पास में रहते थे और वहीं पर जाकर के एडमिट होते हैं। एडमिट होने के बाद उनको तुरंत ऑक्सीजन टॉक्सीजन दुनियादारी उनको ग्लूकोज दिया जाता है, लेकिन हार्ट अटैक अचानक लगातार 1-2-3 एक बार पहले ही शायद मार चुका था उनको, और 2 राउंड लगातार अटैक आया और सारा काम तमाम खत्म हो चुका, जिंदगी खत्म, एक माँ बाप की जिंदगी खत्म। आप सोचिए इसके पास एक ही बेटा हो और उसने अपने खून पसीने से कमा करके 2 मंजिल का घर पूरा तैयार कराया हो, 16 लाख की गाड़ी खरीदा हो, अभी जल्दी में और भी जमीनें खरीदा हो, महज 6-7 साल की समय में, 6-7 साल में इतना करिश्मा कर दिखाने वाला आज इस दुनिया में नहीं है, आज इस दुनिया से अलविदा बोल चुका है। उसका दृश्य मैं आप सभी को दिखाने को दिखा दूँ, लेकिन बहुत दर्द भरी कहानी है। कल से अभी परिवार वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मान के चलिए रोटी नहीं छोड़ा है कहीं घर पर, क्योंकि मेरे भाई साहब यहाँ से गए थे लखनऊ, लखनऊ से उनकी लाश को राम मनोहर लोहिया से निकलाते हैं, लाश को ले जाते हैं ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज में ले जा करके उसका मेडिकल होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम से लाश आती है 12 बजे का। कल ही लाश का दाह संस्कार, ये है दिल्ली का रेलवे स्टेशन का रोड जिसे बोलते हैं छोटी बाजार, कल ही दाह संस्कार हुआ, इसलिए मैं कल आप सभी से दूर था। जब ये सूचना मुझे मिली तो मेरा दिमाग थक कर गया, मेरा दिल ही नहीं बोल रहा था मैं किसी का लाइव वीडियो पर जाऊँ, चूँकि इतनी अपने परिवार अपने रिश्तेदार में ऐसी घटना घट जाए तो किसका दिल बोलेगा, घर का एक चिराग आज कल इतना बीमारी हार्ट अटैक का हो चुका। तो आप सभी थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज को बनाए रखिए, हार्ट को बड़ी मजबूत बनाए रखिए और काम देखते रहिए, बाकी तो वही है सिंह है वह जो राम रच रखा को कर तरक रहा वैसा था, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिला है मेरे भाई मेरी बहन, जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है, कहते हैं हाथ पर लिखा होना कोई भी बात देगा कोई भी पढ़ करके सुना देगा, लेकिन जो ब्रह्मा की लिखनी है, जो ब्रह्मा ने लिख दिया अपने कलम से उसको कौन बांट सकता है, उस होनी को कोई नहीं डाल सकता है, उस अनहोनी को कोई नहीं डाल सकता है जो ब्रह्मा ने लिख दिया, जो ब्रह्मा ने रच करके भेज दिया वो होना ही होना है। तो ये दिल्ली का मेट्रो स्टेशन जहाँ पर कि
ऑटो खड़े हैं जहाँ पर लोग उतर रहे हैं। लोग पीछे आप सभी ने कैसे देखा सीन, ये बदलती हुई दुनिया, बदलता हुआ युग, आधे कपड़े पहनने वाले लोग को क्या बताया जाए। ये देखिए हमारे सामने से महारानी जी जा रही है, ये जो ज्यादा में कुछ बोलना निःशब्द हूँ। ऐसे छोटे कपड़े पहनने वाले लड़कियों को मैं थू करता हूँ और इनकी घृणा का निंदा करता हूँ कि कपड़े ऐसे पहनो कि अपने माँ बाप भाई बंधु के सामने खड़े हो जाओ। कपड़े ऐसे पहनो, आप ऑफिस जा रही हैं, आप किसी स्टेज शो में नहीं जा रही, आज ऑफिस जा रही हैं, ऑफिस में जाइए कम से कम ऐसे कपड़े पहन करके जाइए कि आप कहीं भी काम कर रही, कोई वर्क कर रही, आपके बदन ढकने के लिए बना है, ना कि नग्न होकर के घूमने के लिए बना है। बदन कोमल सा बदन बना है, अच्छा सा बदन है, जैसे भी है, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल मत करिए। आप भी जा रही हैं, जॉब करने जा रही हैं, ऐसे जाइए कि कम से कम चार लोग देखें तो किसी वो भी बोले हाँ किसी अच्छे घर की बेटी है, अच्छे परिवार की बेटी है, कितना ढंग से कपड़े पहन करके निकली है, कितने अच्छे से बेटी निकली है, ऐसे बोले ना कि आपको लोग पीठ पीछे गाली बकते हैं और आपका मजाक उड़ाएं। गाली तो कोई नहीं बकेगा, लोग क्या क्या बोलते हैं पीठ पीछे देखने के बाद उसकी आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी भी एक कुकुर महाराज तनी हट जाने बसी आई तो चढ़ जाए महाराज निपट जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टॉप, अपने यहाँ से मैं बस पकड़ूँगा और यहाँ पर देखिए कौन किसका इंतजार कर रहा है, कोई किसी का इंतजार कर रहा है, कोई बस का इंतजार कर रहा है तो कोई ऑफिस जाने का है, कोई और किसी का इंतजार कर रहा होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये समय बोल रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए ज़रा साइड हो जाइए, अभी आने वाली है बस आएगी, मैं जाऊँगा। तो आप सभी से एक ही अपील है, मेरे शब्द शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगेंगे कि एक जेंट्स होकर के क्या बोल रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन अपमान नहीं, ये बेटियों के सम्मान के लिए बोला।